फेवरेट पर्सन जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, अगर वो ना हो ना मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे को तो फैन बहुत ज्यादा मिले। सॉरी यार बच्चे कहे जा रहे हेलो गाइस, हेलो गाइस, गाइस मेरी एज है, फ्यूचर मेरा प्लान है। गाइस करने लगे हम, आज हम करने वाले Q&A ब्लॉग एक्टिवा के ऊपर। गाइस आज हम करने वाले Q&A ब्लॉग एक्टिवा के ऊपर। गाइस ये अलग होने वाला है। गाइस देखो हाँ सही भी बहुत आ रहा है, इसको मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया क्योंकि गाइस देखो कहता जी तुम आज मेरे को एक्टिवा पे ऊपर Q&A करवा रही है, कल तो मेरे को रिक्शा के ऊपर करवाएगी। जैसे भी गाइस आप गॉगल ला सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गॉगल होने वाला है और हम चलते हैं। मैंने गॉगल्स को चढ़ती है तो गाइस अब मैं यार गॉगल्स में डाल लिए, तैयार गाइस अब हम हो गया तो मैं सोनी हूँ चलते हैं। मैं दिनों ढल जाना है, टाइम हो चुका हुआ है 7:15 एक्टिवा के ऊपर। तो चलो अब हम लेकर जाते हैं एक्टिवा, राइड भी हो जाएगी और हमारा Q&A व्लॉग भी हो जाएगा एक अलग अंदाज पे और एक बड़े अजीब से अंदाज में। मैं आपका क्या कहना है हमारे, थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। रो ना आगे मेरे को इनका बेस्ट वक्त सुनते ना। और गाइस आपको मैं अपने लाल जी के दर्शन करवा लूँ। ये देखो हमारे प्यारे शोनी, प्यारू प्यारू गुगली शोनी। चलो गाइस फटाफट हम चलते हैं, बाय बाय। राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश में चप्पल उधर है। गाइस आज हम इस पे करने वाले अपना Q&A। अजीब लग रहा है तेरे को है, हंसता तो रहा है। गाइस अब देखो कैसा होता है एक्टिवा के ऊपर हम Q&A करने लगे, मेरे को बोलता ही इतना अजीब लग रहा है ना कर यार। चलो आगे टाइम हो गया, दिन ढल गया, चलो तो चलो गाइस अब हमारा Q&A ऑन एक्टिवा स्टार्ट होने लगा है। गाइस तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, पहले कुछ क्वेश्चन मेरे होंगे फिर कुछ क्वेश्चन आपने इसको पूछे हो यार, इधर इधर मुड़ काट ले। हाँ तो गाइस बड़ा हाँ सारा मेरे को सीरियसली। तो गाइस पहला क्वेश्चन आया, आपकी मम्मा का नेम क्या है? हमारी मम्मा का नेम है रितु हांडा। और जी बोल लो। तो गाइस हमारी मम्मा का हांडा, तो गाइस हमारी मम्मा का नेम है रितु हांडा और उनको घर पे नीलू बुलाते नीलू के नाम से। और जो मेरे नानी का मेरी साइड है उनको वहाँ पे नीली नीली के नाम से गाइस बुलाते हैं। बड़ा अजीब नाम है बट उनको इसी नाम से बुलाते हैं नीली के नाम से, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास में आया कि प्लस टू के बाद क्या करने का सोचा है गाइस, प्लस टू के बाद ये करने का सोचा है कि रील्स वेली मारू, रील्स का गाइस रील्स यूट्यूब तो चल ही रहा है उसके बावजूद स्टडी, क्योंकि मैंने प्लस टू में हूँ मैं अभी और मैंने ली हुई है मेडिकल। और मेडिकल में गाइस मैंने करनी आगे फूड टेक्नोलॉजी। जिसको नहीं पता गाइस ये स्टडी करके ना आप ना फूड इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो मेरे को फूड इंस्पेक्टर बनना है प्लस टू के बाद, उसकी मैं स्टडी स्टार्ट कर दूँगी अपनी कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन ना खिंचा जाए हुए भरावा, चलो आपकी जिंदगी का नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? गाइस मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी। मतलब गाइस अब जितनी मर्जी इनकम आए, लाखों में आए करोड़ों में आए, बट मेरे जो हो सभी देख रहे हैं, रुक जा यार ये क्वेश्चंस मैं नोट किए हुए थे सारे। हाँ रुको, तो गाइस इन क्वेश्चन था आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? गाइस जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी मेरे इंस्टाग्राम से, तो गाइस मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं कह सकती हूँ, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली और जहाँ से मेरा एक हिसाब से करियर पूरा स्टार्ट हुआ। तो अब जितनी मर्जी इनकम आए लेकिन जो फर्स्ट इनकम की जो खुशी थी ना वो बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिंदगी का वही है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुसी यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था और आपका कोई फेवरेट एक पर्सन?
तो गाइस मैंने यूट्यूब चैनल हमने गाइस स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, तब गाइस हम वेले थे सामने दूसरे वेले तो नहीं स्टडी थी, मतलब ऑनलाइन स्टडी थी ना, ऑनलाइन स्टडी थी पर किसने की नहीं थी, इतना भाव नहीं दिया था ठीक है। और तब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और गाइस तब ना यूट्यूब की ना डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो हमने कहा कि है यूट्यूबर से बड़ी डिमांड हो रही, तो हमने तो बस यूट्यूबर बन जाते हैं, हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस वैसे ये मैंने फुल अपनी जर्नी में एक व्लॉग बनाया हुआ है, आपको देख सकते हो जाके। वैसे हम यूट्यूब चैनल अपना कब स्टार्ट किया था, लॉकडाउन में गाइस हमने स्टार्ट किया था। और मेरा कोई फेवरेट पर्सन मेरे ठाकुर जी मेरे कृष्णा। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि हाउ टू मैनेज स्टडी विद सोशल मीडिया योर डेली रूटीन। तो गाइस स्टडी ऐसे मेंशन, तो गाइस मैं ऐसे मैनेज करती हूँ स्टडी और अपनी सोशल मीडियाज को कि मेरे और सभी देखी जा रही है, मैंने मुश्किल क्या कहूँगा मैं। तो गाइस वो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में चाह हो रहा है कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ हटके करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो गाइस फिर आप कुछ भी मैनेज कर सकते हो। गाइस ऐसे मैनेज करना मुश्किल है नो डाउट, बट अगर मन में चाह है तो इजी भी है। तो गाइस मेरी डेली रूटीन कुछ ये रहती है कि मैं सुबह उठती हूँ, अपना पाठ करती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, दो तीन घंटे मैं अपना पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल तो जाती हूँ, प्लस टू में मेडिकल रखती हूँ, आपको आप बोलते मेडिकल वाले बच्चे सिर्फ पेपर से निकालते हैं स्कूल, है ना। तो मैं सुबह उठती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, दो तीन घंटे पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ, दोपहर को अपनी वीडियोस बना ली, जो प्रमोशन वाली वीडियोस आई वो बना ली, रील्स वीडियो है ना। फिर अपना साथी तो अपना ब्लॉग तो चलता रहता है, डेली ब्लॉग से है ना। फिर रात को अपना बैठ के ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, तो सुबह अपलोड कर देती हूँ, बस यही चलता है मेरा डेली रूटीन, कुछ खास नहीं है, बट बहुत बिजी स्केड्यूल है आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जा, व्हाट आर योर प्लान्स गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर 12 एंड वाई आर यू ऑप्टेड फॉर मेडिकल। मेरे प्लान ये है कि मैंने अच्छा यूट्यूबर बनना, अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है यार, ये तो रही आपके सोशल मीडिया है ना, चल जो इधर इधर मोड़ काट इधर चल, वो तो नहीं सोशल मीडिया की बात, और यही बात जो मेरी स्टडीज में आती है वो मैंने आपको बताई दी है कि मैंने फूड इंस्पेक्टर बनना है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि वाई आर यू ऑप्टेड फॉर मेडिकल। गाइस मैंने ये मेडिकल इसलिए ऑप्ट की, इसके ना मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ गाइस, इसके ना ये स्टोरी थी। वो पीछे कह रहे वो बना दे गाइस, पहले ना मैंने कॉमर्स लेनी थी, होली फ्लाई यार नहीं होती थी, तक बाहर जा रही, सॉरी मेरी बहन। पहले ना गाइस मेरा ना कोई प्लान नहीं था कि मैंने मेडिकल ऑप्ट करने, पहले तो था कि मैंने ना कॉमर्स ही ऑप्ट करने, कॉमर्स। गाइस पापा ना ट्रैवल करते रहते हैं, तो ना पापा को ना एक ना बंदा मिला, मतलब वो काफी एजुकेटेड थे, वो सीए थे। तो ना पापा ने उनसे ना सजेशन ले ली कि ना वो अभी प्लस वन के पेपर्स दे रही है, तो अगर उसे प्लस टू में कोई स्ट्रीम ऑप्ट करनी हो तो वो कौन सी करे। तो गाइस उन्होंने कहा था कि ना अगर मैं होता ना तो मैं अपने बच्चे को ना मेडिकल करवाता। तो गाइस वो बोलते अगर मैं होता ना आपकी जगह तो मैं अपने बच्चे को ना मेडिकल करवाता प्लस टू तक, और उनको कॉलेज में ना फूड टेक्नोलॉजी के नाम से कोर्स करवाता, फिर मैं उनको फूड इंस्पेक्टर लगा देता, क्योंकि गाइस इतना स्कोप है ना इस कोर्स में। वो कहता कि आते चारों को ना पता ही नहीं कि फूड टेक्नोलॉजी फूड इंस्पेक्टर नाम की भी कोई जॉब होती है, लेकिन कहते हैं ये ना एक ना गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें ना सीट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, फिर मैं इसमें कर ले, तो जिसका स्कोप ज्यादा लेकिन लोगों को पता नहीं है। यार बच्चे कहे जा रहे हेलो गाइस, हेलो गाइस, देख रहा सड़क पड़े। तो गाइस मैं कांटी कुतरी, ओए ओ क्यों मैंने करने का, ये ना नुकसान हो जाए, आई लव यू। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि दी तुम्हारे दिल विच गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि दी तुम्हारे दिल विच ऐ ख्याल कदों आया कि इंस्टा रील बनानी आ, मींस तुसी रील्स बनानी कदों स्टार्ट कीती। गाइस सबको पता है वैसे मेरी स्टोरी क्या है, मैं बता दूं इन शॉर्ट बता देती हूँ गाइस, ये सीधा ले जा। तो गाइस इन शॉर्ट मैं बता दूं, पहले मैं बता कि मैंने कब स्टार्ट किया। गाइस मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, जब मैं
गाइस टिकटॉक बंद हो गई थी है ना, उसके बाद ना मेरे को ना मेरी मम्मा ने, गाइस मेरी मम्मा बहुत मेरे को मोटिवेट करती है, वो कभी भी ना मेरे को ना खाली नहीं बैठने देती, वो कहती कि कोई काम कर तू कुछ बन, उनकी ये थिंकिंग है मेरे पेरेंट्स की, मेरे दोनों पेरेंट्स की, एक ही पेरेंट की, दोनों पेरेंट्स की। तो गाइस वो बोल के, वो बोलते कि तेरी टिकटॉक बंद हो गई है ना, तो तू अपना रील्स बनाना स्टार्ट कर, क्योंकि गाइस तब ना नई नई रील्स आई थी इंस्टाग्राम पे जब टिकटॉक बंद हुई थी, तो गाइस मैंने तब बनाई, क्योंकि मेरे घर वालों को ना मेरी एक्टिंग बहुत पसंद है सीरियसली, और वो अगर वो ना हो ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो ना मेरे को बहुत सारा मोटिवेट करते रहते हैं, मेरे को कभी गिनने नहीं देते, मैं जब भी डीमोटिवेट होती हूँ ना तो वही ऐसे मेरे को मोटिवेट करने वाले होते हैं। यहाँ तो मैं आप लोग जिनके जिनके कमेंट्स पढ़ के मेरे फेस पे अलग से स्माइल आ जाती है, नहीं तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली गाइस मेरे को बहुत ही सपोर्ट करते, तो उन्होंने कहा था कि तू तूने ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि गाइस मैं तब बहुत रोई थी जब मेरा टिकटॉक बंद हुआ था, तो वो बोलते तू कुछ, तू खाली ना बैठ, तू इंस्टा स्टार्ट कर, तू रील्स बना, तो तू कुछ कर। तो गाइस मैंने तभी मैं रील्स बनाने स्टार्ट की है ना, तो तब क्या हुआ, मैंने ना दो अकाउंट्स मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे दो अकाउंट ना खराब हो गए थे, मतलब फ्रीज हो गए थे, एकदम फॉलोअर्स नहीं आ रहे थे, लाइक्स नहीं आ रहे थे, व्यूज नहीं आ रहे थे, गाइस ये चीज हो गई थी। फिर मैंने ये वाला अकाउंट स्टार्ट किया जो मेरा प्रेजेंट अकाउंट है, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी जर्नी डिस्क्राइब कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ, जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट गर्ल आप कह सकते बन चुकी हुई हूँ। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। किक यार एक बार में जवाब दूँ क्या दे, छेती कर, मैंने भी पूछा। हाँ मैं छेती अपने क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर तू, फिर तेरी बारी है, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम वेयर यू गेट इंस्पायर्ड फॉर योर यूट्यूब आइडिया एंड हु इज बिहाइंड यू पुश्ड यू। मेरी मम्मा मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, वही आइडियाज देते हैं, कुछ आइडियाज गाइस हमारे भी होते हैं, ऐसे हम डिस्कस करके ना एक अच्छा कंटेंट ढूंढ ही लेते हैं। तो मेरी फैमिली, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है, मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है, मेरे सभी बहुत सपोर्टिव है। आई लव यू ऑल, जो जो मेरे को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, मैं बहुत खुश हूँ गाइस। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल सीरियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डिस्टेंस रिलेशनशिप ठीक है गाइस? मेरे से क्या पूछ रही हो, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है नियर रिलेशनशिप का और डिस्टेंस रिलेशनशिप का। गाइस ये कैसे क्वेश्चन है, मतलब मेरे को कोई, जिसको, जिस बंदी को एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी भी रिलेशनशिप का, वो बंदी आपको कैसे बता सकती है, खुद इन चीजों से भागती है, वो आपको क्या सजेशन दे। तो गाइस आप पूछ सकते हो, बाकी आई डोंट नो। और गाइस अब मेरे क्वेश्चन हो समाप्त, अब है इसकी बारी, चलो इसके क्वेश्चन की बारी। तो इसके क्वेश्चन मैंने लिखे है अपनी कॉपी में, चलता मेरे हाथ थक गए कैमरे पकड़ते पकड़ते यार, अब फोन कौन संभालेंगे वाला, अब मेरी कर दी ना। चल मैंने क्वेश्चन लिखे हुए है कॉपी में, इसका आंसर दे। तो गाइस क्वेश्चन आया इसको, संयम की एज, संयम की एज क्या है? मेरी एज है 12 साल। थोड़ी थोड़ी उच्ची बोल गाइस, मेरी एज है 12 साल। होली बोल, रात पड़ रही गाइस। क्वेश्चन, इन फ्यूचर संयम का क्या प्लान है? इन फ्यूचर मेरा प्लान है ओला मेरी करा के बाहर चल जाना। नहीं हाय कुत्ता, बता दे पापा को ना कि जो तुमने बोल दिया ना वो मेरे बोर्ड के सामने कुछ भी नहीं है, मैं अब ये रिकॉर्ड करना है। जस्ट किडिंग, नहीं गाइस फिर से एक चांस दिया रहे, पर जो असल था वो तो इसके मुंह से निकल गया। नहीं नहीं गाइस, ये ना मेरा की फ्यूचर क्या प्लान है, मेरा ये प्लान है कि मैं क्रिकेटर बनूं और साथ में इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और साथ में और वो पढ़ लिख के कुछ भी ना बनूं, बस पढ़ लिख के नहीं कुछ बनना है, ऐसे बनना सब कुछ। पढ़ लिख के से कोई एम ही नहीं निकम्मे का, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। सही 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 यार, नहीं वैसे छोटे से क्या प्लान होंगे, पर इसका प्लान है लव मैरिज करनी। नहीं नहीं मिले और जो मेरा जो सबसे जो सही फैन है ना, है ना, वो
वो यार एट्थ एफ के क्या नाम था, ध्रुव मिल, हाँ ध्रुव मिल एट्थ एफ, वो हमारा डाई हार्ड फैन है स्कूल का, है ना। हाँ ठीक है, सैयद की वीडियो कौन बनाता है? ए, मेरी वीडियो मेरी मम्मी जान और ये तंदो, और तंदो नहीं निखार, बोल निखार, जल्दी निखार हांडा, ऑफिशियल निखार हांडा। नहीं यार असल में पूछा था मम्मा बनाता है इसकी वीडियो रील्स, मतलब अगला क्वेश्चन है उनके लिए, तो मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते? गाइस मैं तो देता हूँ, पर यार मेरा ना शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, पर मैं देखता सबके हर एक का मैसेज देखता हूँ और लाइक भी करता है, जब कभी टाइम होता है तो सबके मैं रिप्लाई भी करता हूँ। नेक्स्ट, सैयद स्टडी और सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हो? वो फिर वो वाले गए छोटे बच्चे जो कह रहे थे व्लॉग हाँ, पीछे एक आई है स्टडी और सोशल मीडिया, तो मेरे वो मम्मा हैंडल करते सोशल मीडिया और स्टडी तो मैं करता हूँ यार। मैं सोशल मीडिया मम्मा का हैंडल करने का ये मतलब है कि वीडियोस तो ये बनाता है, बाय चांस अपलोड करने का टाइम ना मिले तो मम्मा अपलोड कर देते हैं, बाय द वे यही करता है हाँ। बाकी स्टडीज स्टडीज से जब तक कहते हैं स्टडीज सही कैसे पसीने की स्मेल आ रही है तो गाइस ही कर ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतने क्यूट कैसे हो सैयम जी? गाइस पहली बात तो मैं लगा तो फेयर लवली नहीं नहीं गाइस सीरियसली, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी क्यूट है, साडा सोना अंदर लाजमी है। आए नहीं कितना बढ़िया जवाब देता है, आप मम्मा को दिखाओगे तो मम्मा बहुत खुश हो जाके। गाइस ये नेचुरली क्यूट था, नेचुरली मैं वो क्यूट ही पैदा हुआ था। ये क्या था अभी? गाइस हमारा फर्स्ट ट्राई था Q&A ऑन स्कूटी, गाइस कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बड़े प्यार से शूट किया बड़ा सभी के ओ भाई। बाकी गाइस लव यू ऑल, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। कल है राखी, सो हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, कल है राखी जिन्होंने आज मनाई है 30th, उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन जिन्होंने कल मना लिया, उनको हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, रक्षाबंधन व्लॉग के साथ, बाय गाइस, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।